हेलो गाइस, वेलकम बैक टू मी यूट्यूब चैनल गुलीनान। सो टुडे वी विल टॉक अबाउट आर 15 टॉपिक ऑफ मीटोगा सीरीज। हमारा आज का टॉपिक है डिस्क्राइब अ स्पोर्ट्स प्रोग्राम यू लाइक टू वॉच। कि कोई ऐसे स्पोर्ट्स प्रोग्राम के बारे में बताएं जो आपको देखना पसंद है। तो पहले हम इसके बुलेट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट है, व्हाट इज इट, क्या है ये स्पोर्ट्स, हु डू यू वॉच इट विद, किसके साथ आपको ये देखना पसंद है, व्हेन डू यू वॉच इट, कब आप ये स्पोर्ट्स देखते हैं, वाई डू यू लाइक टू वॉच इट, क्यों आपको ये स्पोर्ट्स प्रोग्राम देखना पसंद है। तो पहले हम जो वोकैबुलरी आज के क्यू कार्ड में यूज़ करने वाले हैं वो देख लेते हैं कौन कौन सी है। फर्स्ट है एंथुसियास्टिक, मतलब जो बंदा हमेशा उत्साह में रहता है उसको बोल सकते हैं। फिटेस फिटल एक ईडियम है जो कि हम बोलते हैं जब हम कहना चाहते हैं कि मैं स्वस्थ बनना चाहता हूँ तब। एक्साइटिंग, मतलब इंटरेस्टिंग हो गया, जिसमें बहुत सारा एक्साइटमेंट होता है उसको एक्साइटिंग बोल देते हैं। कन्वीनियंट, मतलब बहुत अच्छा। बेस्ट लवर्ड हो गया फेवरेट। फास्ट पेस्ट हो गया एडवांस, जो चीज़ एडवांस होती है या फिर जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाता है उसको फास्ट पेस्ट बोल देते हैं। थ्रिलिंग हो गया भयानक एडवेंचरस, जिसमें बहुत सारा डर और ख़तरा होता है उस चीज़ को थ्रिलिंग एक्टिविटी बोल दिया जाता है। फैसिनेटिंग हो गया बहुत अच्छा। क्यू का डिस्कस करते हैं हमारा, बींग अ स्पोर्ट्स एंथुसियास्टिक पर्सन आई लव टू वॉच एंड प्ले डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्ट्स। कि एक स्पोर्ट्स को लेके मैं बहुत ही उत्साहित पर्सन हूँ और मुझे स्पोर्ट्स देखना पसंद है और अलग अलग तरह के स्पोर्ट्स हैं वो क्या करता हूँ, मैं खेलता भी हूँ, जैसे कि सच एस क्रिकेट, फुटबॉल, बास्केटबॉल एंड मैनी मोर। एज स्पोर्ट्स हेल्प अस टू बिकम फिट एज फिटल, कि हम सब जानते हैं कि जो स्पोर्ट्स हैं हमें स्वस्थ रखने में मदद करती हैं एंड कीप आर माइंड शार्प एंड फ्रेश एवरी टाइम, और हमारे जो दिमाग है उसको तेज़ बनाती हैं और हमेशा फ्रेश रखती हैं, मतलब कि खाली या फिर कहते हैं फ्रेश का मतलब फ्रेश होता है। आई वॉज द कैप्टन ऑफ माई स्कूल बास्केटबॉल टीम, नॉट ओनली दिस बट ऑल्सो आई वॉन्ट मैनी प्राइजेस इन बास्केटबॉल कॉम्पिटिशन इन माई लाइफ। कि जब मैं अपने स्कूल में था तो मैं अपने स्कूल की जो बास्केटबॉल टीम था उसका कैप्टन था, और मैंने इसको छोड़ के यही नहीं कि मैंने और बहुत सारे जो बास्केटबॉल के प्राइजेस थे और वो भी जीते थे कई कॉम्पिटिशन में अपने स्कूल में। टू बी ऑनेस्ट आई एंजॉय वॉचिंग बास्केटबॉल गेम्स ऑन टीवी। मैं सच कहना चाहता हूँ कि मुझे बास्केटबॉल देखना टीवी पर और गेम्स खेलना बहुत पसंद है। इट इज़ अ स्पोर्ट्स प्रोग्राम दैट आई फाइंड थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग टू वॉच। एक स्पोर्ट्स प्रोग्राम है जो मुझे बहुत ही एडवेंचरस एंड इंटरेस्टिंग लगता है देखने में। आई यूजली वॉच इट विद माई फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स हु आर ऑल्सो फैन ऑफ बास्केटबॉल। मुझे ये चीज़ उनके साथ देखना पसंद है जो कि इसके खुद भी फ़ैन है, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स हो गए या फिर मेरे फैमिली मेम्बर्स हो गए। वी यूजली वॉच बास्केटबॉल गेम्स ड्यूरिंग द वीकेंड और इन द इवनिंग आफ्टर स्कूल और वर्क। के मैं जब भी हमारे जो बास्केटबॉल है हम देखते हैं जब हमें फ्री टाइम मिलता है, जैसे कि हम लोग तो हमारे स्कूल के बाद देखते हैं या फिर हम वर्क के बाद, जब जैसे कि हमारे फैमिली मेम्बर्स हो गए वो वर्क करते हैं तो शाम को हम सारे क्या करते हैं कि ये वाला जो स्पोर्ट्स प्रोग्राम है वो देखते हैं। वी प्रेफर टू वॉच इट एट होम, हम ये चीज़ देखना घर पर पसंद करते हैं। बिकॉज इट इज़ मोर कम्फर्टेबल एंड कन्वीनियंट, कि ये बहुत आरामदायक और आसान काम है फॉर अस टू चेयर फॉर आर बेस्ट लवर टीम विदाउट एनी डिस्ट्रैक्शन। कि हमारे जो फेवरेट टीम है उसके लिए चेयर अप करना किसी भी तरह की रुकावट से बचकर। इट इज़ अ फास्ट पेस्ड गेम, ये बहुत ही तेज़ तरार या फिर कह दूँ बहुत ही फास्ट गेम है जिसमें बहुत ज़्यादा मतलब फास्ट होना पड़ता है। दैट रिक्वायर स्किल स्ट्रेटजी एंड टीम वर्क, जिसके लिए हमें स्किल्स चाहिए होती है और टीम वर्क कैसे करते हैं वो चीज़ आना चाहिए। आई एम ऑलवेज इम्प्रेस्ड बाई द इनक्रेडिबल एथलीटिज़म एंड कोऑर्डिनेशन ऑफ द प्लेयर। कि मैं हमेशा ही जो इसमें जो प्लेयर्स खेलते हैं उनके एथलीटिज़म, मतलब कि एथलीट वो होते हैं जिनकी शरीर में बहुत ज़्यादा क्या होती है फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आसानी से वो उछल कूद कर सकते हैं, वो चीज़ से बहुत ही ज़्यादा इंप्रेस होता हूँ। और साथ ही साथ उनका कोऑर्डिनेशन कि कैसे वो आपस में तालमेल बना के रखते हैं जिस गेम के प्लेयर से, उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस होता है। एंड आई फाइंड इट फैसिनेटिंग टू सी हाउ दे वर्क टुगेदर टू स्कोर पॉइंट्स एंड विन द गेम। कि मैं ये चीज़ देख के बहुत ज़्यादा आकर्षित होता हूँ उनकी तरफ और मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कैसे वो एक साथ मिलकर पॉइंट्स इकट्ठे करने के लिए मतलब आपस में मेहनत करते हो और ताकि वो जीत सके पॉइंट्स ज़्यादा से ज़्यादा इकट्ठे करके। एज वेल एज दैट बास्केटबॉल गेम्स आर एन इंजॉयबल पास टाइम फॉर मी बिकॉज दे प्रोवाइड एंटरटेनमेंट एक्साइटमेंट व्हेन आई वॉच देम विद अदर्स हु शेयर माई एंथुसियाज्म फॉर द स्पोर्ट। कि ये इसको छोड़ के ये साथ ही साथ में क्या चीज़ है, जब भी मैं बास्केटबॉल देखता हूँ तो मतलब मेरे पास टाइम का मुझे याद आता है और मुझे इसके साथ क्या होता है एंटरटेनमेंट भी मिल जाती है, मतलब मेरा मनोरंजन भी हो जाता है,
मेरे अंदर उत्साहित भी हो जाता हूँ। साथ साथ में क्या होता है, इससे मैं अपना जो उत्साह है इस गेम के लिए वो भी अपने फ्रेंड्स और दूसरों के साथ शेयर कर सकता हूँ। तो कट द लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, दिस इज़ द स्पोर्ट विच आई लव टू वॉच ऑन द टीवी। तो ये वाली जो स्पोर्ट्स है जो मुझे टीवी पर देखना पसंद है। तो ये था हमारा आज का क्यू कार्ड। अगर आपको क्यू कार्ड अच्छा लगा तो लाइक द वीडियो, ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल और हिट द बेल आइकन ताकि जब भी मेरी कोई नई वीडियो आती है तो आपको पता चल जाए। ऑल्सो शेयर माई चैनल विद योर फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर्स सो दैट आई कैन एक्सप्लोर मोर। बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।